देखिए मऊ की दिन भर की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में विनय ज्ञानचंद्र के साथ। भारी बारिश के बाद जिला चिकित्सालय भवन बना बैतरणी, पोस्टमार्टम हाउस, बाल रोग विशेषज्ञ और मस्ती रोग विशेषज्ञ मार्ग पर बना सैलाब। वही सांप के काटने से युवक को किया गया भर्ती, जहरीला सांप नहीं था। इस बीच बता दें कि देर शाम जहां युवक को भर्ती कर उसे इलाज दिया जा रहा है, वहीं स्वस्थ होने के बाद उसे वापस छोड़ दिया गया। दूसरी बड़ी खबर मऊ से, बिजली कड़कने से 10 लोग घायल हो गए, वहीं एक की मौत हो गई है। वहीं महिला की मौत के बाद परिवार में शोक है। कहाँ घर है आपका? क्या मामला हो गया था? लड़की जो है कल यहाँ खेत की तरफ। क्या नाम था लड़की का? रेखा सिंह। जी जी, कितना उम्र था उनका? अच्छा अच्छा, हाँ बताइए क्या हो गया। अंचल एक्सप्रेसवे पर आमने सामने बाइक की भिड़ंत में गई दो युवकों की जान, बैंड बाजा बजा कर चलता था गुजारा। कितनी उम्र थी उनकी? क्या करते थे बेटे आपके? वही मोहम्मदाबाद के करीमुद्दीनपुरा में यादव समुदाय के 4-5 मोटरसाइकिलों के साथ हमलावरों ने किया हमला। एक युवक को लगी बाएं पैर में गोली। मामले को लेकर पुलिस ने तुरंत संज्ञान लिया और घायल युवक को सदर अस्पताल भर्ती करा दिया है। हालांकि इस मामले में तहरीर भी दर्ज कर ली गई है। IPS अनिल कुमार के खिलाफ ग्रामीणों ने क्यों दिया जिलाधिकारी को ज्ञापन? क्या कहते हैं? कहते हैं कि जमीन को छोड़ दो, इस मुकदमे को छोड़ दो, नहीं अगर छोड़ोगे तो मारे जाओगे। एक असलपुर की घटना हुई थी, वहाँ उसको सूचना वो पोखरी वाली जो प्रधान मारा गया, उसको बार बार कहते हैं कि उसे देखो देखो देखे हो ना, वो भी मारा गया है प्रधान। तो डर ये सब डर है तो क्या करे, सामाजिक काम है, ये समाज का काम है। तो पूरा गांव परेशान है क्या? हाँ पूरे गांव परेशान है, ये पूरे गांव के लोग हैं। हाँ पूरे गांव के लोग हैं। जिलाधिकारी प्रवीण मिश्रा के आदेश के बाद 6 लोगों को जिला बदर करने की जा रही है तैयारी। दर्जन भर से ऊपर लोगों को रोज आकर थाने में करना होगा दस्तखत। वहीं गोवध मामले में 2 तस्करों के गाड़ियों को किया जा रहा है सीज। पुलिस अधीक्षक मऊ इलामारन जी ने की पूरी तैयारी। वहीं अब अपराधियों के खिलाफ और सख्त रुख अपनाएगा जिला प्रशासन। मऊ गोरखपुर बने बाईपास को जोड़ने को लेकर ग्रामीणों की मांग को लेकर सांसद राजीव राय ने क्या कुछ खास कहा? ये दोनों रास्ते, ये कोपागंज बाजार से और वहाँ कस्बे से बंद हो रहे थे इस एक्सप्रेस, तो फिर इसका तो हमें कोई मतलब ही नहीं, फिर हम तो घूम कर उधर से डांडी चढ़ें या वहाँ चढ़ें। तो मैंने माननीय गडकरी साहब से मिला और मुझे धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने तुरंत लिखा इमीडिएट एक्शन, और ये कागजी नहीं रहा जब तक मैं सदन के कार्रवाई के बाद आया। 2 दिन बाद ही अधिकारी आ गए, कल यहाँ सर्वे भी हो गया, आपने सबको एक्सप्लेन भी किया और उन्होंने सहमति भी दी है कि दोनों रास्तों को जोड़ देने से। कोपागंज थाना अंतर्गत भाई ने की थी बहन की सनसनीखेज हत्या। मामले में पुलिस ने किया बड़ा खुलासा, छोटे भाई ने बड़े भाई को फंसाने के लिए कर दी थी बहन की हत्या। वही संपत्ति मामले को लेकर चालाकी से कर रहा था अपने नाम। इस बीच पुलिस ने छोटे भाई को गिरफ्तार करते हुए धारदार हथियार को भी कब्जे में ले लिया है। वहीं इस पूरे मामले का पर्दाफाश एडिशनल SP महेंद्र महेश सिंह अत्री ने करी है। खुद को न्याय नहीं मिला तो आंखों से दिव्यांग युवक ने दूसरों को न्याय दिलाने के लिए मुख्यमंत्री तक के घर तक यात्रा करने की पहल कर ली और मधुबन से लेकर लखनऊ तक की यात्रा शुरू कर दी है। इस बीच आंखों से दिव्यांग व्यक्ति ने क्या कुछ खास कहा, क्या नाम है आइए जानते हैं। कैसा यात्रा आप कर रहे हैं, क्या है? मैं गरीबों के जो समस्याएं गरीबों की उसके समाधान के लिए और जो तमाम विभागों में भ्रष्टाचार है उसके विरुद्ध मैं ये पद यात्रा लगभग 400 किलोमीटर की पद यात्रा निकाली। कहाँ से कहाँ तक यात्रा कर रहे? ये मधुबन से मैं चल के मऊ में आ गया हूँ और अभी मुझे आजमगढ़ अयोध्या होते हुए लखनऊ तक। लखनऊ में कहाँ जाएंगे? लखनऊ में मुख्यमंत्री जी के आवास कालिदास मार्ग पे जाना। अच्छा, कैसे ये आपको समझ में आया कि आपको ये यात्रा करनी चाहिए, क्या लगा? सबसे पहले तो मैं अपना समस्या लेके आवाज़ उठाया था,
फिर मैं जब समाज के लोगों के बीच जाने लगा तो मुझे लोगों की समस्याएं पता चलने लगा, तो मुझे पता चला यार मेरी समस्या तो कुछ नहीं है, जो लोगों की समस्या है उससे मेरी समस्या कहीं बड़ी नहीं है, लोगों की समस्याएं जितनी बड़ी हैं। तो मुझे लगा कि यार कोई किसी न किसी को एक मतलब कदम उठाना पड़ेगा, कदम बढ़ाना पड़ेगा ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके। तो मैं ये जिम्मेदारी खुद ले लिया कि मैं ये काम करूंगा ताकि लोगों की समस्याएं अगर पूरी तरीके से 100% ना खत्म कर पाऊं तो कम से कम 10-20% अगर मुझे अचीवमेंट मिल जाएगा तो मुझे एक उत्साह मिलेगा कि मैं बड़े से बड़े आप कदम उठाने के काबिल हो जाए। आप मुख्यमंत्री के पास जा रहे हैं, मधुबन के विधायक रामविलास चौहान है, विधायक जी से भेंट नहीं किया अगर समस्या है तो? विधायक जी से भी भेंट कर चुका हूँ और यहाँ के कृषि मंत्री हैं शर्मा जी से भी भेंट कर चुका हूँ और उमेश चंद पांडे जी भी से मैं पर्सनली इन लोगों से मिल चुका हूँ, विधायक जी हों या किसान मंत्री जी हों या उमेश चंद पांडे जी हों, और कई अधिकारियों से भी मैं मिल चुका हूँ। जैसे डीएम महोदय के ऑफिस पे मैं दिसंबर से ही मतलब बहुत सारे आवेदन दे चुका हूँ, मुख्यमंत्री जी को मैं स्पीड पोस्ट के माध्यम से 2 आवेदन दे चुका हूँ और एप्लीकेशन दे चुके हैं। जी हाँ। मैं कई जगहों पे, लेकिन मुझे लगा कि यार कहीं ना कहीं मेरे संघर्ष में कोई चूक है इसीलिए मुझे सफलता नहीं मिल रही है, तो कुछ अपने संघर्ष को और 2 कदम आगे बढ़ाया। क्या लगता है मुख्यमंत्री के पास पैदल जाएंगे तो आपकी आवाज़ सुनेंगे? जी विश्वास है, कहते हैं गीता में लिखा हुआ है कि आप कर्म करिए फल की इच्छा मत करिए, आप कर्म करेंगे तो एक न एक दिन फल मिलेगा, और उसी विश्वास के साथ और मुख्यमंत्री जी से मेरा पर्सनली बहुत लगाव रहा है और एक विश्वास रहा है, उसी विश्वास के साथ मैं चल रहा हूँ और मुझे पूरा पूर्ण विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी मुझसे मिलेंगे और मेरे समस्याओं को सुनेंगे और वास्तविक समाधान करेंगे जो उचित होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।